हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के एनर्जीज और साथ में आपके लिए हम देखेंगे गाइडेंस, जिससे कि आपको इजी हो जाए अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करना। ये जोनो रीडिंग होने वाली है सभी जोडियक साइन के लिए और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सभी ग्रुप के लिए हैं, सभी एज ग्रुप के लिए हैं, सभी जेंडर के लिए हैं। ओके, तो टाइमलेस है, तो जितने समय बाद भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकोगे। फ्री हीलिंग के लिए आप लोग अपने पार्टनर का और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, और जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, खुद को रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस मेजर अरकाना से। ओके, रीडिंग जो बातें रेजोनेट होती हैं उन्हें आप रखें, जो बात रेजोनेट नहीं होती है उसे आप स्किप कर दें। ओके, चलिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप में से कोई तो है जो इस रिश्ते को लेकर हार मान गया है या हार मान गई है। ओके, देखो तो जिस पर्सन के साथ आप रिश्ते के लिए हार मान गए हो ना, उस पर्सन के साथ एक बार फिर से आपका रीयूनियन होगा। और ऐसा नहीं हो कि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो अभी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आप इसको इतना नेगेटिव बोल दो कि ये पर्सन फिर से कुछ नेगेटिव हो जाए आपके रिलेशनशिप में। तो हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सके अगर रीयूनियन करना है, अगर इस पर्सन के साथ रहना है, सबसे पहले खुद के थॉट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे कभी एकदम आप हताश हो जाते हो कि नहीं इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, मैंने कहा था ना नेगेटिव मत सोचिए, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले आपके लिए यही गाइडेंस है कि यहाँ पे जो लोग इस तरह नेगेटिव हो रखे हैं, सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करो, क्योंकि जिस रिश्ते के लिए आप देख रहे हो, मुझे लगता है उस पर्सन ने पूरे तरीके से आपसे ये बोल दिया है कि रिश्ता नहीं चल सकता है। ठीक है, इस बात को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में ना जजमेंट होगा। यकीन ट्रस्ट रखोगे यूनिवर्स पे तो ज़रूर होगा। ओके, और अगर नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिव करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब सबसे पहले गाइडेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव होने के इस रिश्ते में ज़रूरी है मेडिटेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पॉजिटिव, जिस भी आप रिलीजन से हैं, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप पढ़ के अपना मन शांत कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं आइडिया तो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ओके, 3 दिन तक भी करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ना, फिर आप खुद से आदत हो जाएगी, फिर आप कंटिन्यू कर पाओगे। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, किसी से भी जाके कोई बात नहीं करनी। आपको लगता है अरे मैं इस पर्सन से जाके झगड़ा कर लूँ, थर्ड पार्टी से या आपके पार्टनर से या पार्टनर के फ्रेंड से, ऐसा कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे कॉमेंट करके बताना अगर आपको ठीक लगता है तो, आपके रिलेशनशिप में इशू क्या चल रहा है। काफ़ी लंबा हो जाएगा मैसेज, लेकिन चाहो तो टाइप ज़रूर करना। ओके, अपने आप को इस पर्सन का लाइफ पार्टनर मानना शुरू कर दो, क्योंकि ये पर्सन आपको आपका लाइफ पार्टनर मानता है। फर्स्ट कार्ड आया डेथ का, जो कि दिखाता है वापस जो रिश्ता ख़त्म हो गया है फिर से वो शुरू होगा। नई ट्रस्ट है तो फूल का कार्ड देख लो, नई शुरुआत देगा यही रिश्ता, जिसको आप ये मान चुके हो कि पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, ये इस रिश्ते में कुछ नहीं बताया। तो ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिर से शुरू होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मानता है। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को अपना हस्बैंड और वाइफ मानते हो, चाहे आप दोनों रिलेशनशिप में, मतलब अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन आप हमेशा इसको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह ही ट्रीट करते हो, उसके आगे आप सोच ही नहीं पाते हो किसी और के साथ। काफ़ी ज़्यादा पुराना हो सकता है ये रिश्ता, आप नहीं निकल पा रहे हो इस रिश्ते से। सेम एनर्जी इस पर्सन के भी है, ये भी आपको भूला नहीं है,
चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, किसी भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन ने आपके एक छोटे छोटे मैसेज को संभाल के रखा हुआ है। जब मिलो ना कभी इससे तो पूछ लेना, आपका कोई गिफ्ट दिया हुआ भी इसने बहुत संभाल के रखा हुआ है। इवन अगर आपने उस पर्सन ने कभी आपको चॉकलेट दिया है, कुछ भी ऐसा दिया है, नहीं गिफ्ट दिया है तो मैसेज तो एटलीस्ट इस पर्सन ने आपके संभाल के रखे हुए हैं, आपके फोटोग्राफ्स इस पर्सन ने संभाल के रखे हुए हैं। ओके, ये पर्सन किसी कीमत पर अब आपको खोना नहीं चाहता है। ये पर्सन आपके पास आएगा वापस, वो परमानेंट आएगा। ये जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन के एक तो बात है, हो सकता है इसने आपको बहुत दुख दिया है रिलेशनशिप में, लेकिन ये अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। मतलब अपनी एज से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई इस पर्सन ने। पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब इसके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, फाइनेंस को संभालना, भले से ये पर्सन खुद अब काम करने लगा है या लगी है, कुछ तो फैमिली इशूज़ हैं इसको जो इमोशनली डैमेज है पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। भले से ये दिखाए ना दिखाए, इस पर्सन से कभी आप ये पूछ कर देख लेना, ठीक हो तो शायद ये रो ही दे। इस तरीके की इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। अक्सर लोग इस एनर्जी को समझते नहीं, उनको सबको लगता है हमारा पार्टनर हमें एक्सप्रेस करे फीलिंग्स, आके हमारे से बहुत सारी बातें करें। बिल्कुल सही है ये बात कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन उसके लिए सामने वाले के इमोशंस इतने स्ट्रांग भी होने चाहिए। ओके, ठीक है। देखो, ये पर्सन अपनी लाइफ की जर्नी ना आपके साथ लेकर जाना चाहता है आगे, ये कन्फर्म है। तो इस पर्सन के लिए हम नेगेटिव सोचना बिल्कुल छोड़ दो। ये पर्सन आपके पास आएगा वापस, ये इस पर्सन की एनर्जीज हैं, गाइडेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। जर्नी है लाइफ की जो ये पर्सन आपके साथ आगे ज़िंदगी में लेकर जाना चाहता है। बहुत ज़्यादा बर्डन में है ये पर्सन। जब भी आपके पास आए ना, आप ज़रूर से ये बात कहिएगा, पूछिएगा कि ये पर्सन कैसा है। ये पर्सन एक्शन भी बहुत जल्दी आपकी तरफ लेगा, ठीक है। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, रीडिंग को क्लेम करना है। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।